बाद एक सीरीज और आती है, ठीक है, जैसे 1 + 1 1 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरह का सम, इसका सम करना इस सीरीज का सम। कैसे करोगे? देखो ऐसे सीरीज को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसको क्या कर सकते हो, 10 - 1, ठीक है, फिर ये इसमें से माइनस करूंगा, ये इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, फिर से जीपी बन जाएगी, ठीक है, एस एन 1 + 11 + 1 1 1, सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 0, आ जाएगा 1 + 10 + 100 + 1000, ठीक है, ये लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस का TN, इस तरीके से TN को इस तरफ शिफ्ट कर दो, बन गया। ठीक है, एक तरीका तो ये कर चुके थे ना कि टर्म्स का डिफरेंस देखा, यहां पर आ जाएगी TN + TN - 1, ये TN - 1 और प्लस का TN, ठीक है, AR² यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी टर्म्स है, जितनी इसमें है, मतलब एन टर्म्स लिखिए, कितनी टर्म्स है, ठीक है। देखो इसी का एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड सबको क्लियर है ना, व्हाट्सएप वाला मैं अभी चेक नहीं कर सकता, मेरा फोन लगा हो, ठीक है, ये मेथड क्लियर, इसी का एक दूसरे टाइप का, जब ऐसे क्या हो, नंबर रिपीटेशन में हो, ठीक है, तब क्या करना, नंबर रिपीटेशन में ये मेथड तो है, 1 करना क्या है, हर एक जो रिपीटेशन वाला है उनको 9 में कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो, 9, कैसे, कंप्लीट को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 9 times SN = 9 + 99 + 999, 9 को एज इट इज रख लिया, SN = 9 को लिखा है 10 - 1 +100 - 1 + 1000 - 1 10000 - 1 एंड सो, ये क्या बन जाएगा, 9 times SN = 10 + 100 + 1000, ये एक अलग बन जाएगा, और -1 + 1 + 1 एन टाइम्स, एक जीपी, और ये क्या है, सिंपल 1 का सम, क्या है, 9 = SN, इसका सम कितना है, 10, 10 की पावर क्या है, करवा दिए थे, जीपी बना, वेरी गुड, ये क्या बन जाएगा, AR^(n-1), 10^(n-1) अपॉन 10 - 1, और माइनस क्या जाएगा, 9 चला जाएगा, डिवाइड क्या जाएगा, SN = 10/81, 10^(n-1) और माइनस 9/10/9, फिर तो जीपी कंप्लीट हो गया, AP GP HP, ठीक है, अच्छा AM GL और HM हार्मोनिक मीन,
इनका कोई रिलेशन था? ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने किया किया क्या था, एचपी करवाई थी ना, कंप्लीट हो गया था वो, हार्मोनिक मीन बताया था उसका। आई थिंक सिर्फ हार्मोनिक प्रोग्रेशन किया था, एचपी किया था सिर्फ। इस तरह के क्वेश्चंस हो गए क्या? हार्मोनिक मीन अच्छा, ए और बी दोनों किस में है? एच पी में। तो 1/a 1/b ये किस में आएंगे? एच पी की टर्म्स का रेसिप्रोकल क्या क्या आ जाएगा? एपी। अच्छा, दो टर्म्स दी हैं, एपी दिया है, इनके बीच की एक मीन एएम कैलकुलेट करना है, क्या आएगा? 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाय 2। ए बनता है क्या? ए प्लस बी बाई टू, दोनों टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय 2, कितना जाएगा? ए प्लस बी अपॉन 2ab। ये क्या कैलकुलेट हुआ? एएम। तो एच एम क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 2ab अपॉन ए प्लस। किन दो टर्म्स के बीच में कैलकुलेट किया? ए कोमा बी, दो टर्म्स थे, उनका हार्मोनिक मीन क्या आएगा? 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना? हार्मोनिक मीन मतलब दो टर्म्स हैं, उनके बीच में एक ऐसी टर्म रखनी है ताकि वो किस में आए? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तीनों टर्म। तो वो वाली वैल्यू किसके को लाएगी? 2ab अपॉन ए प्लस बी। किया क्या? एचपी को एपी में चेंज किया, उसके बीच वाली टर्म कैलकुलेट कर ली, और उसका रेसिप्रोकल क्या, तो वापस कितना आ जाएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल क्या होगा? हार्मोनिक मीन। इट इज क्लियर है? फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/21 -1/5। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना है। इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/(h-a) प्लस 1/(h-b)। नेक्स्ट, इफ फोर हार्मोनिक मीन्स
बिटवीन 2/3 एंड 2/13 then find the second part. तीन क्वेश्चन लिखो, जल्दी से सॉल्व करो। टेस्ट का 1/8 करो, सारे कंप्लीट सॉल्व करो।
से चेक करना, सौम्य सरंगल। सेकंड का आंसर फिर से चेक करना। चलो करते हैं सॉल्व। -105/8। चलो पहला सॉल्व करते हैं। देखो एक हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अभी बताया था कौन सा था, 2ab/a+b। अब a और b के बीच में एक हार्मोनिक मीन, ठीक है, या फिर क्या करो 1/21 और -1/5 दिया है, करना क्या है, रेसिप्रोकल कर दो, ये क्या देगा 21, ये देगा -5, ये किसमें आ गए एपी में, तो 21 -5/2 कितना आएगा 16/2 8, ये क्या है अर्थमेटिक मीन, इसका रेसिप्रोकल 1/8, ये क्या जाएगा हार्मोनिक मीन। सिंपल था आंसर, क्या जाएगा 1/8, या फिर दोनों की वैल्यू यहां पुट करो, सॉल्व कर लो, सेम आंसर है। इस बारे में किसी को डाउट है? सेकंड ए और बी दो वैल्यूज दी, ठीक है, करना क्या है हार्मोनिक मीन एच दिए, एच किसके को लाएगा 2ab/a+b, एच की यहां पर वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा क्या आएगा 1/2ab/a+b माइनस का a प्लस 1/2ab/a+b और माइनस का भी किसके को लाएगा 1/2ab-ab और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में आएगा ए प्लस बी प्लस 1/2ab-ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन ए बी माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ए कॉमन
माइनस ए कॉमन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बी, से आ जाएगा ए माइनस का बी, एक स्टेप और आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा माइनस ए बी ए माइनस बी आ जाएगा, बी से मल्टीप्लाई तो ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन माइनस ए बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी माइनस और माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी या फिर वन अपॉन ए डॉट वन अपॉन बी, जो भी सही लगे। डाउट है किसी को सेकंड वाले पार्ट में? सिंपल कैलकुलेशन थी। नकुल महाजन क्या गलती की? सिंपली वैल्यू पुट करनी थी, सॉल्व कर। सेकंड में किसी को डाउट है? क्लियर है? थर्ड वन थर्ड में क्या दिया? टू बाई थ्री और टू बाई थर्टी, ये है एच पी मीन, क्योंकि चार हार्मोनिक मीन निकालने, तो मैं अर्थमेटिक मीन निकाल लूंगा इसमें, इनमें कितने निकालने, चार अर्थमेटिक मीन। तो क्या कैलकुलेट करूं सबसे पहले? अपने आंसर माइनस लिखा है जो मेरे को सेंड किया मिस्टर नकुल, चार हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने, ये चार अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लूं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस डी, किसके कल आता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, तो d किसके इक्वल आ जाएगा 13 बाई टू माइनस 3 बाई टू डिवाइडेड बाई 4 प्लस वन इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू 2, अपने को कैलकुलेट करना था सेकेंड हार्मोनिक मीन, तो मैं सेकेंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ, किससे इक्वल आएगा ए प्लस टू डी के, ए कितना है 3 बाई टू प्लस टू इंटू टू 4, सही कैलकुलेट करो, सॉरी डी आया 1, डी बना है ना 13 माइनस 3 10 बाई टू 5, 5 अपॉन 5 1, जाएगा 3 बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, तो हार्मोनिक मीन क्या बन जाएगा 2 बाई 7, डी कैलकुलेट कैसे किया? जैसे अर्थमेटिक मीन में करते थे, ये ए टर्म ये बी टर्म, ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन तक एन हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन है इसके बीच में, टोटल एन, एक एन प्लस वन और एक एन प्लस टू,
इस वाले पार्ट में टोटल कितनी टर्म्स बनेगी, n प्लस टू, टी एन प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू टी, ये किसके इक्वल है, बी के, ए प्लस एन प्लस वन इंटू टी, तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन टी। एन अर्थमेटिक मीन, तो उनका कॉमन डिफरेंस ये रखना, फिर ये क्या बनेगा, वैसे तो सेकंड टर्म है लेकिन पहला क्या है, अर्थमेटिक मीन, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस एन डी क्या जाएगा, ये बात जितने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं वो एन की वैल्यू, ए और बी दो नंबर दिए होंगे, डी कैलकुलेट हो जाएगा, हर एक टर्म में डी ऐड करते जाएंगे, हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन मिलते जाएंगे, उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएंगे, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है बीबी? ये सर ने नहीं बताया था, अर्थमेटिक मीन में बताया होगा, नहीं बता पाए, अभी भी डाउट है किसी को? नकुल, अक्षत, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक। पहले अपने सिर्फ दो का रिलेशन देखा था, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, क्या था, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इन दोनों को चेक कर लेते हैं, क्या करें, अगर इन दोनों को चेक कर ले तो पता चल जाएगा। कैसे चेक करूं बताओ, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा कि हार्मोनिक मीन पार्ट बड़ा होगा, चेक करो जल्दी से।
GM is greater than HM. कोई प्रूफ बता सकते हैं इसका कि कैसे प्रूव करोगे? इनइक्वालिटी से कैसे जीएम माइनस एचएम कैलकुलेट करते हैं? ऐसे कि ये जो भी पोर्शन आएगा अगर जीरो से बढ़ाएगा तब तो क्या होगा, जीएम बड़ा अगर जीरो से छोटा है तो, ऐसे चेक करोगे? ए एम में एच एम की वैल्यू पुट करके कैसे पुट करोगे? जो ये वाला था ए एम माइनस जी एम, ए एम की जगह क्या पुट करोगे? एच एम. चलो पहले ए एम और एच एम का रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. अभी पता चल ए एम माइनस एच एम, ए एम किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी बाई टू माइनस एच एम किसके इक्वल था? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. एलसीएम कितना आएगा? टू ए प्लस बी. ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस 4ab. ये क्या हो जाएगा? a बताओ क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन 2. ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी. बताओ कैसे चेक करोगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा? चलो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ए प्लस बी से कैसे डिसाइड करो? अगर दोनों नेगेटिव हुए तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव आएगी तो हार्मोनिक मीन बड़ा हो जाएगा. जल्दी सोचो. ऐसे अप्रोच रखोगे सीधा सीधा लिखा था. देखो एच एम इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. इसको लिखो अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी बाय टू. ऊपर लिखा है ज्योमेट्रिक मीन, इसका स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई हार्मोनिक मीन. ये रिलेशन है. क्या रिलेशन आएगा? अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आएगा. कौन सा हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. ए बी को लिख सकता हूँ अंडर रूट ए बी का स्क्वायर. अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी बाई टू. ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ए बी के. तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ए बी आ जाएगा. ए बी
ये टू ऊपर है ये डिवाइड में जाएगा तो ए प्लस बी बाई टू, ये तो अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लिखा है, ये रिलेशन बन गया। दिमाग लगाओ, देखो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, एच एम का जी एम से डायरेक्ट क्या होगा रिलेशन, यहीं से इंटरप्रेट करो ना इसी से। अर्थमेटिक मीन तो क्या है, इनइक्वालिटी लगाओ यहीं पे, यहीं से बन जाएगा ना। ये क्या है, जी एम से बड़ा है, तो एक जो जीएम बचेगा वो क्या होगा, एच एम से छोटा हो जाएगा। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट एग्जैक्ट स्क्वायर के इक्वल आएगा, इनका रिलेशन यही होगा एच एम। हार्मोनिक मीन सबसे छोटा हो, तीनों इक्वल कब होंगे, जब ए और बी दोनों इक्वल आ जाएंगे। तीनों इक्वल कब होंगे, जब सारे आपस में इक्वल होंगे। या प्रूफ बताऊं ऐसे जीएम माइनस एच एम करके, रिलेशन ये वाला और एक रिलेशन कौन सा, ये वाला, दो रिलेशन याद रखना। क्या होगा, हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन बीच में और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा, और आपस में रिलेशन क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का अगर प्रोडक्ट किया तो वो क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होगा। चलो एग्जांपल, इफ ए जी एंड फोर आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन टू नंबर, देन एंड टू टाइम्स ए प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, फाइंड द नंबर। अभी जो रिलेशन बताए थे उन्हीं का यूज करके सॉल्व करना। ठीक, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन between two positive numbers is 25 and
देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 12. Find the sum of number. दोनों नंबर्स का सम बताना. A और G क्या है? A है arithmetic mean, G है geometric mean और 4 है harmonic mean. दो नंबर्स के बीच का सिंबल बने हैं. करो दोनों क्वेश्चन सॉल्व.
पहला सॉल्व करें या सेकंड सॉल्व कर लो? चलो करते हैं सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट। चलिए ए जी एंड फोर आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। एंड टू ए प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और एच कितना दिया है? 4। एच मतलब हार्मोनिक मीन, तो जी स्क्वायर किसके इक्वल था? ए इंटू एच, एच की वैल्यू 4 पुट की, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 27। ए किसके इक्वल आ जाएगा? 27 डिवाइडेड बाई 6, 3 से कैंसिल, कितना आ जाएगा? 9/2। अच्छा जी नहीं दिया है तो जी कैलकुलेट करें कैसे? देखो एच मतलब 4, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab अपन ए प्लस बी। ए की वैल्यू 9/2 मतलब ए किसके इक्वल है? ए प्लस बी बाई 2 के। यहाँ वैल्यू पुट की कितना है? 4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू 9/2, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 9, तो आ जाएगा 2/9, तो ए बी कितना जाएगा? 9/4 डिवाइडेड बाई 2, ए बी इज इक्वल टू 18। दो का सम कितना है? 9, तो 3 और 6 ही पॉसिबल है। इस किसी ने भी मेरे को आंसर दिया? लग तो नहीं रहा, कुछ गलत तो नहीं किया? चेक करके देखो क्या गलती की है। सेक्शन 3 ठीक है, 3 और 6 और सेक्शन 3 ठीक है। इसके बाद सॉल्व करना चाहते हो ये कैलकुलेट कर सकते हो। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 9/81 माइनस 4/18 9, ए माइनस बी आ जाएगा 3। दोनों का सम किया तो 2a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3। एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का ठीक है, और दूसरा क्या है कि यहाँ से a लिया कितना जाएगा? 18/b, वैल्यू पुट करो, वैल्यू आ जाएगी। दोनों नंबर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इस वाले में क्या दिया है? द सम ऑफ हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 25। देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 12। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई हार्मोनिक मीन। यहां से कुछ सॉल्व हो सकता है? ए इंटू बी कैलकुलेट हो जाएगा, वो तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, लॉजिक अप्लाई। अच्छा सम दी है, सम अरिथमेटिक मीन प्लस हार्मोनिक मीन
विषम दिया है 25, ज्योमेट्रिक मीन 12 दिया है, मतलब अंडर रूट ए बी दिया है 12, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा 144, वैल्यू पुट कर दो, क्या जाएगा ए प्लस बी और प्लस 2 इंटू 144, इसका स्क्वायर बन जाएगा, एलसीएम लिया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ए प्लस बी कैलकुलेट करने और कोई लॉजिक लग रहा है तो और कोई लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्व करो इसको, ये सॉल्व करा दूं। अच्छा, वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? द सम ऑफ द नंबर्स ए प्लस बी, इसको एक्स मान लेता हूं, बनेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 44, ये बन जाएगा 576 अपॉन 2x इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर ये कितना बन जाएगा 50x, इस तरफ आएगा माइनस का 50x प्लस 576 इज इक्वल टू 0, यह जाएगा x स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 32x और प्लस 576 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 और x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, कैलकुलेशन सही किया ना, x इज इक्वल टू 18 और 32।
एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे AM, A प्लस एच का एच इज इक्वल टू 25 PS और अंडर रूट, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन दिए, ज्योमेट्रिक मीन जी इज इक्वल टू अंडर रूट AH इज इक्वल टू 12 दिए। दूसरा मेथड ये अप्लाई कर सकते हो, ए माइनस एच कैलकुलेट कर लो, किसके इक्वल आएगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 4 AH, तो ये क्या जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 4 × 12 का स्क्वायर और इसका रूट 625 माइनस 576 का रूट, ये आ जाएगा 7। दोनों को ऐड कर मत क्या आएगा, 2A इज इक्वल टू 25 प्लस 7, A किसके इक्वल आ जाएगा 16। A किसके इक्वल है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, A प्लस बी इज इक्वल टू 32। अगर माइनस का 7 लूंगा 18 आ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा तो पॉजिटिव वाला ही लेना है, तो फिर ऊपर 18 कब आएगा। आंसर तो दोनों ही सही है, सेकंड मेथड। देखो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का सम दिया है 25, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई, दिखाई दे रहा पूरा कंप्लीट, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा अंडर रूट AH, ज्योमेट्रिक मीन दिया है 12। जैसे ये आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी कर दो, किसके कुल बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस एच दिया था, ए माइनस एच कैलकुलेट किया क्या आएगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए एच का होल रूट, ए एच की वैल्यू यहाँ से इसका स्क्वायर कर दूंगा क्या जाएगा 12 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, ये 25 था, ए माइनस एच 7, ए प्लस एच 25 कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का सम 25 है और अर्थमेटिक मीन से हार्मोनिक मीन माइनस किया तो 7, दोनों को ऐड करूंगा तो अर्थमेटिक मीन आ गया मेरे पास ए प्लस बी बाई 2 कितना 16, दोनों नंबर का सम पूछा है तो 2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई चेक करो, डाउट है तो पूछो। ये चीज समझ में आई, 18 रिजेक्ट कैसे कर दिया है मैंने, ये वाला ये रिजेक्ट हो जाएगा फाइनल आंसर में, AH 144 होगा ना, हाँ तो अंडर रूट लगा हुआ है ना, AH ये लिखा हुआ 12 का स्क्वायर, फाइनल आंसर में 18 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि A प्लस बी दिया, अर्थमेटिक मीन क्या बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 9, जो कि क्या है ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं हो सकता, तो आंसर सिर्फ आएगा 32। इसका आंसर क्या आएगा, सम ऑफ नंबर्स इज 32, 18 रिजेक्ट हो जाएगा आंसर। और कोई डाउट किसी को, कोई
है, प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी एचपी स्पेशल वाले मिसलेनियस वाले सारे पार्ट्स करवा चुका हूँ, ठीक है। अब एपी जीपी में सर ने कितना क्या करवाया था, एएम जीएन एचएम का रिलेशन भी हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, किसी भी बुक का कोई भी हो, मेरे को फॉरवर्ड कर देना, पूछ लेना, ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेट लाइन, टर्म वन में है ना स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितना सर ने करवाया होगा एक बार मेरे को उनकी फोटोज क्लिक करके भेज देना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स वाला जितना पार्ट करवाया कोई मेरे को उनकी पीडीएफ बना के कैसे भी करके मेरे को फॉरवर्ड कर देना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि और करवाने की जरूरत है या नहीं। ओके बाय बाय, थैंक यू।